अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम जा रहे हैं माड़ी और मेरे साथ है डॉक्टर फैसल शहजाद, डॉक्टर्स ऑन राइट के, और मैं मौलवी इमरान अख्तर, और पीछे हैं जुनेद मियां जुनेद, टीचर्स ऑन राइट के, और ये मास्टर शफीक मौलवी जान बाइक के, और ये मलिक अनिसो रहमान वाइस प्रेसिडेंट मौलवी जान बाइक। हम माड़ी जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का एक सेहत अफजा मकाम है। प्रोग्राम तो हमारा था मोटर बाइक्स पे जाने का, लेकिन गर्मी आज बहुत शदीद थी, तो चूँकि डॉक्टर्स ऑन राइड है तो राइड कुछ भी हो सकती है, आप बाइक्स पे जाओ, गाड़ी में जाओ, हॉर्सेस पे जाओ, जो मर्जी, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, 4 बजे निकले थे हम जामपुर से, फाजलपुर 45 किलोमीटर है तकरीबन जामपुर से, तो वहाँ पर हम रुके। फिर आगे हाजीपुर एक शहर आता है कुछ 15-20 किलोमीटर के बाद, वहाँ कुछ दोस्तों ने कुछ लंच का बंदोबस्त किया हुआ था, वो किया हमने। हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। मैं फर्स्ट एवर टाइम जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसा सुना है वहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मतलब पहाड़ी इलाका है, अभी तक डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है उधर। हम लोग कैंपिंग करेंगे वहाँ पर, वैसे भी अच्छे खासे लोग जा रहे हैं कल, क्योंकि यौम आज़ादी भी पाकिस्तान भी है, इंशाल्लाह। और हम भी उसी सिलसिले में जा रहे हैं जी दोस्तों, तो हम भी उसी सिलसिले में जा रहे हैं कि कल इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे दोस्त वहां गए हुए हैं, हमारे जो बाइकर क्लब हैं सीआरसी वाले, क्रॉस रूट क्लब वाले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, कुछ 70-80 दोस्त हमारे बाइकर्स भी आ रहे हैं, तो वो भी उनका भी प्रोग्राम है, और हमारे दोस्तों का जो कुछ मकामी भी, कोई आज रात कोई अच्छा खासा वहाँ प्रोग्राम है, जश्न है, तो उसके सिलसिले I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe? अस्सलाम वालेकुम। तो माड़ी हम पहुंच चुके थे मगरिब के बाद, तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बाद, और अभी आप जैसा कि देख रहे हैं बारबेक्यू की तैयारी है। तो माड़ी का रास्ता फोर्ट मनु से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो डेवलप्ड है लेकिन ये बड़ा प्यारा रास्ता, खूबसूरत है, और जिसकी टॉप है ना माड़ी टॉप, बेसिकली वो टोटल मैदानी इलाके की तरह बिल्कुल सीधा, ये इसकी खूबी है। इमरान साहब, जुनेद साहब दोनों बैठे हैं जी सामने, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने पीछे कैंप लगाए हुए हैं, ये देखें ये कैंप है हमारे, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मेरे पीछे नज़र आ सकता है तो, ठीक है। फर्स्ट एवर टाइम कैंपिंग, बड़ी दफ़ा सोचा था कि कैंपिंग करेंगे लेकिन पहली दफ़ा मौका मिला, तो मैंने मैनुअल लाइट हाथ में ली हुई है, स्पेयर लाइट, मिलते हैं कुछ देर में। अस्सलाम वालेकुम, कोयमाड़ी में दूसरा दिन, सवेरे 6:30 बजे जाग हो गई, चाय पी है, उसके बाद पता चला कि यहाँ पे एक नखलिस्तान भी है, मतलब आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि खुश्क और चटियल पहाड़ है, फोर्ट मनरू है या फिर माड़ी है, तो हम ये विज़िट करने आए हैं। ये पीछे मेरे आप रास्ता देख रहे हैं,
ये यहाँ तक ऊपर जा रहा है, वहाँ से हम नीचे उतर के आए। बहुत प्यारा व्यू है, यहाँ पीछे एक मज़ार भी है, मुझे नहीं पता किस बुज़ुर्ग का, लेकिन है। और मज़े की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पीछे आप देखें आपको खजूर के दरख्त मिल रहे हैं, और यहाँ एक नदी बहती है। रोड यहाँ पे आके एंड हो गया, आगे नहीं है। बहुत खूबसूरत पहाड़ है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। तो कैमरा उस तरह तो नहीं दिखा सकता, मैं भी आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रोड है, यहाँ रोड एंड हो गया, और सामने वहाँ पे जनाब काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं, पानी है, और ये नदी सी गुजर रही है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। मैं आज का व्लॉग, क्योंकि गाड़ी पे यहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन से बना रहा हूँ सेंट, और ये बिल्कुल सीधा एक सीधा रास्ता है, बिल्कुल ग्राउंड प्लेन, और ये देखें पहाड़ है, सिर्फ धूप है। वहाँ दोस्त बैठे हैं, गुफ्तगू चल रही है। थोड़ी देर में मैं वापस वहाँ ऊपर जाके कुछ ड्रोन शॉट्स लूँगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे।